गंधवानी विधानसभा के कशाबर आदिवासी नेता उमंग सिंगार और उनकी पत्नी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है, जिसके चलते ही कांग्रेस धार जिला अध्यक्ष बालूकंद गौतम ने अपने विचार रखे हैं और उन्होंने कहा है कि यह केवल और केवल राजनीतिक षड्यंत्र है। और आगे क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। कांग्रेस विधायक उमंग सिंगार पर जो प्रकरण दर्ज किया गया उसके अगर आप क्या कहेंगे? ये बैठक पति पत्नी का है, क्योंकि एक आदिवासी विधायक है तो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता है, राष्ट्रीय सचिव है, कहीं कहीं कांग्रेस को बदनाम करने के लिए सरकार इस प्रकार का प्रकरण दर्ज कर रही है। अगर शिकायत है भी थी तो कम से कम सरकार को, क्योंकि एक आदिवासी विधायक है और सरकार आदिवासी के भले की बात करती है, आदिवासियों के भले की बात करती है, सरकार को पहले इसमें इंक्वायरी करना थी, जिसके बाद उन्होंने केस दर्ज करना था। और ये केस दर्ज हुआ है, ये प्रतिबंधियां मेडल है, कहीं न कहीं आपस होने की कोई संभावना है। इसके पीछे राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है? 100% इसमें राजनीतिक षड्यंत्र है, क्योंकि बगल जांच की इतनी जल्दी क्या थी जो प्रकरण दर्ज कर दिया गया। और क्योंकि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो पदयात्रा आ रही है, कहीं न कहीं तो हैरान परेशान करने के लिए और कई लिए ये प्रकरण दर्ज किया गया है। आपका नाम? बालूकंद गौतम, अध्यक्ष जिला कांग्रेस।